नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। भारत में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। वहीं बात करें राज्यों की, तो राजस्थान ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। अब हालात ये हैं कि राजस्थान में कोरोना टीकों की कमी हो गई है, वैक्सीनेशन का काम फिलहाल रोक दिया गया है और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार वैक्सीन के आंकड़े को लेकर आमने सामने है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रालय के आंकड़ों को गलत बताया है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील की है कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीके जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाए। गहलोत ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं मिलने के कारण मंगलवार से राज्य में प्राथमिक PHC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC के स्तर पर चल रहे केंद्रों पर टीकाकरण की पहली खुराक देने का कार्य बंद करना पड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो राजस्थान को 37.61 लाख टीके मिले और सोमवार तक 24.28 लाख टीके ही लगाए गए हैं, लेकिन इन आंकड़े को पूरी तरह गलत बताते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान को 8 मार्च तक 31,45,340 टीके ही मिले, जिसमें से 2,15,180 टीके सेना को उपलब्ध करवाए गए। साथ ही सीएम गहलोत ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में 8 मार्च को सिर्फ 2 दिन का टीकाकरण के लिए ही टीके उपलब्ध थे, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त टीके भेजने की मांग की। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार का इस पर क्या बयान आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।